हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं कायरेलिटी, हाउ टू टेस्ट, हाउ टू चेक कायरेलिटी एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो चलिए शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें, और ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर के आप स्टीरियो केमिस्ट्री की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के स्टीरियो केमिस्ट्री के सभी पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली नेचर में जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स नेचर में हैं, उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक कायरल ऑब्जेक्ट और एक अकायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते। ऑब्जेक्ट दैट कैनॉट बी सुपरपोज्ड ऑन देयर मिरर इमेज, जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते वो कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं। और कायरल ऑब्जेक्ट में हैंडनेस की प्रॉपर्टी होती है, दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ हैंडनेस। कायरल ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे हाथ कायरल हैं, ग्लव्स कायरल हैं, शूज कायरल हैं, इवन बहुत सारे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से लाइफ लीडिंग मोलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ चलती है, DNA, एमिनो एसिड्स, वो भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होती। तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कायरल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, वो है हमारे हैंड्स। ये देखिए, ये दोनों हाथ हैं मेरे, आपको यहाँ लग रहा होगा कि दोनों हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एग्जैक्टली सेम दिखते हैं ये देखिए, लेकिन ये एक्चुअल में डिफरेंट होते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो मेरा राइट हैंड है ये मेरे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है, और यदि मैं इस मिरर इमेज को, राइट हैंड को जो कि लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है, इसको उठा करके इस तरह से सुपरपोज करूंगा, इस तरह से रखना, सेम फेस को ऊपर रखना, इसको सुपरपोज करना बोलते हैं। यदि मैं सुपरपोज करता हूं तो देखिए ये सुपरपोज नहीं हो रहा है, मतलब अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि मेरे जो लेफ्ट हैंड की इमेज है जो कि राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड के ऊपर सुपरपोज नहीं हो रही है, सुपरपोज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हैंड्स, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो क्या हुआ, कायरल हुआ। तो इस तरह से जो हमारे हैंड्स हैं वो कायरल होते हैं, राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज राइट हैंड है, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ध्यान रखिए इनका रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये इनमें सिमिलरिटी है, और एक्चुअल में ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इसीलिए ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं हो रही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो हम राइट हैंड का हैंड ग्लव लेफ्ट हैंड में नहीं पहन सकते, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड का हैंड ग्लव होता है वो भी राइट हैंड में नहीं पहन सकते। तो वो इसी वजह से है, वो कायरलिटी की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसलिए जो हमारे हैंड ग्लव्स हैं वो भी कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह हमारे शूज, ये भी कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं। और कायरल ऑब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है हैंडनेस। जिन ऑब्जेक्ट में हैंडनेस की प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान से सुनिए, हैंडनेस यानी कि उस ऑब्जेक्ट में हम लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को पहचान पाए, वो अलग अलग हों, उनको हम लोग वो ऑब्जेक्ट कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर मेरा ये लेफ्ट हैंड है, इसमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी है। हैंडनेस का मतलब इसका, मेरे हाथ का राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों डिफरेंट है। ये देखिए लेफ्ट पार्ट की तरफ थंब है, राइट पार्ट की तरफ इस तरह से कोई थंब नहीं है। तो ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जिनमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी हो, हैंडनेस का मतलब होता है जिनका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अलग अलग हो, वो कायरेलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं कायरल। तो
कायरल ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते। अब हम लोग एकायरल ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो एकायरल ऑब्जेक्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एकायरल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये नेल देता हूँ, ये देखिए एक नेल है हमारे पास, और ये जो नेल है इसकी मिरर इमेज यदि हम लोग ड्रॉ करें, ये सपोज मिरर मिरर है, और इसकी मिरर इमेज यदि हम लोग रखते हैं, मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ये दूसरी नेल है जो इसकी मिरर इमेज है, एज इट इज ऐसी हमें दिख रही है। तो ये जो नेल है जो इसकी मिरर इमेज है, इसको यदि हम लोग उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो यह सुपरपोज हो जाएगी, क्योंकि इसमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये है इसका राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट ये डिफरेंट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे 3D ऑब्जेक्ट जिनमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, जिन जिनमें राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट एक जैसे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। देखिए इसको यहाँ ले जा करके ऐसे सुपरपोज करेंगे तो ये सुपरपोज हो जाएगी, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एकायरल, यानी कि जो कायरल नहीं होते वो हुए एकायरल। एकायरल के एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक और डिस्कस कर सकते हैं, ये देखिए मोबाइल का चार्जर है, ये इसमें भी हैंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों इक्वल हैं, इसलिए यह अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज कर जाएगा, इसलिए यह ऑब्जेक्ट हुआ एकायरल, यह एकायरल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से एकायरल ऑब्जेक्ट के और भी हम लोग कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। ये देखिए ग्लास है, ये ग्लास है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये इसकी मिरर इमेज सेम एज इट इज इसके जैसी ही है, और इसमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाएगा, इसलिए यह हुआ एकायरल। इसी तरह से ये देखिए ये फोर्क है, तो जो हम लोग खाना खाने के लिए चम्मच या फोर्क ये यूज करते हैं, ये सब भी इनमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती और ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं, ये एकायरल है। ये चेयर आपके सामने दिख रही है, चेयर में राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों अलग अलग नहीं है, एक जैसे ही हैं, इसलिए यह भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाएगी। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं वो होते हैं एकायरल, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं कायरल, और कायरल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट कायरलिटी का, ये हमने यूज लिया है जनरल ऑब्जेक्ट्स पर। अब हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स भी आप लोग जानते हो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कायरल। तो इसी तरह से मैं आपके सामने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसके ये हम चार सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं H, और यहाँ पर लिखते हैं हम Br, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाते हैं, और इसकी मिरर इमेज ध्यान से देखिए कैसे बनेगी, Cl ऊपर रहेगा, इधर Br आएगा, और इधर ये रहेगा H और ये रहेगा F। तो इसको, इस मॉलिक्यूल को हम एज इट इज उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो यह सुपरपोज नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी आर इधर है, और यदि हम ऐसे कि ऐसे इसको लिफ्ट करके यहाँ रखेंगे तो बी आर आएगा यहाँ पे। तो इसलिए यह मॉलिक्यूल जिसमें इस कार्बन की जो फोर वैलेंसीज हैं वो सारी के सारी डिफरेंट हैं, सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं फोर वैलेंसीज से, यह है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कायरल हुआ, क्योंकि यह अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं हो रहा। हम यहां लिख सकते हैं नॉट सुपरपोजेबल मिरर इमेजेज, तो ये नॉट सुपरपोजेबल मिरर इमेजेज है। तो इस तरह से वे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन चार डिफरेंट वैलेंसीज से अटैच हो, वे सारे के सारे क्या होते हैं, कायरल, वो कायरल होते हैं। तो क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई कार्बन चार डिफरेंट वैलेंसीज से अटैच नहीं हो वो कायरल नहीं होते? वो भी कायरल होते हैं, इस बारे में बात करेंगे हम
थोड़ी देर बाद में। इसके पहले हम ले लेते हैं कि ये जो कार्बन है जिससे चार वैलेंसीज डिफरेंट अटैच हैं, इसे हम एस्ट्रिस्क मार्क से दिखाते हैं, और ये इसको बोलते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। ये कायरल सेंटर हो गया। अब क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक ही कायरल सेंटर पॉसिबल है? नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा कायरल सेंटर भी पॉसिबल होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हम यहां बनाते हैं। ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, इसमें यहां Cl, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां एच है, यहां OH है, और यहां एच है, और यहां CH3 है। ये आपके सामने एक ग्रुप है, इसमें आप यहां देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये कायरल है, और ये कार्बन भी कायरल है। ये देखिए, इस कार्बन के जो चार वैलेंसीज हैं, 1, 2, 3 और एक वैलेंसीज, ये पूरा जो ग्रुप है ये सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा पार्ट, लोअर पार्ट। तो इस तरह से ये इससे चार डिफरेंट वैलेंसीज जुड़ी हैं, इस तरह से इससे भी चार डिफरेंट वैलेंसीज जुड़ी हैं। तो ये दोनों कार्बन हैं, ये क्या हो गए, इसके कायरल कार्बन। तो इस तरह से एक से ज़्यादा कायरल कार्बन भी पॉसिबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि कायरलिटी का टेस्ट कैसे किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, या फिर कायरलिटी की इसेंशियल कंडीशन क्या है जो हम अभी बात कर रहे थे। तो इसके लिए मैं एक कंडीशन आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता, जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता, नो कायरल सेंटर, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकते हैं, कायरल। कायरल सेंटर नहीं है लेकिन फिर भी वो कायरल हो सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसमें टू और मोर कायरल सेंटर उसके बावजूद भी ये क्या हो सकते हैं, अकायरल। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कायरलिटी के लिए इसेंशियल कंडीशन, जरूरी कंडीशन कायरल सेंटर का होना नहीं है। कायरल सेंटर हो या न हो, मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन वो कायरल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, उसके बावजूद भी वो अकायरल होते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर कायरलिटी। इसके बारे में जो वीडियो का लिंक है वो आई बटन में आ रहा है, आप वहां पर जाकर के मॉलिक्यूलर कायरलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा कब होता है जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन फिर भी वो कायरल होता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो कायरलिटी का कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूल की एज ए होल प्रॉपर्टी है। मतलब मॉलिक्यूल कायरल कब होगा, जब वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होगा। ये इसेंशियल कंडीशन है, चाहे उसमें कायरल सेंटर हो चाहे नहीं हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कायरलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल एज ए होल। इसी तरह से हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि कायरल सेंटर इज, तो कायरल सेंटर क्या हुआ कि कायरल मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी हो गई, कायरल सेंटर मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी हो गई, न कि कायरल सेंटर होने से हमेशा मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो फिर कायरल की कोई भी मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टेस्ट कायरलिटी, कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के कायरल होने या नहीं होने का पता सिर्फ
एक ही सिमेट्री एलिमेंट से चलता है, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ध्यान से सुनिए, यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो होगा काइरल। मतलब काइरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। काइरेलिटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो अकाइरल होते हैं, क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं एक फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूँ एक मॉलिक्यूल का, ये OH, H और CH3। ये आपके सामने एक काइरल मॉलिक्यूल है, देखिए ये काइरल कार्बन है और ये काइरल मॉलिक्यूल है। यहां हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। ये देखिए ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। अब इस यदि मिरर इमेज को उठा करके हम लोग यहां रखते हैं तो ये सुपरपोज नहीं होगा, ये काइरल है। काइरल क्यों है? क्योंकि यहां पर इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन नहीं है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। इसी तरह से हम इसी मॉलिक्यूल में एक वैलेंसी चेंज कर देते हैं और दोनों तरफ OH रख देते हैं। ये देखिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, इसकी मिरर इमेज बनेगी इस तरह से। तो इसकी मिरर इमेज में आप देखिए, इस मिरर इमेज को उठा करके यदि हम लोग यहां रख देते हैं तो यह इसके ऊपर सुपरपोज हो जाएगी OH के ऊपर। ये जो OH ग्रुप है ये यहां जाकर के इसके ऊपर सुपरपोज हो जाएगा, और ये वाला OH ग्रुप इस OH ग्रुप के सुपरपोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये सुपरपोज हो रही है। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए ये एक प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ OH ग्रुप आएंगे। तो इस तरह से जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वह मॉलिक्यूल हमेशा अकाइरल होता है, और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो होता है काइरल। तो काइरलिटी का टेस्ट करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा जब भी आप मॉलिक्यूल में टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तब हमेशा आपको उसकी 3D स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, न कि उस स्ट्रक्चर को जो पेपर पे ड्रॉ की गई है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, वरना हमसे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने में गलती हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब बात करते हैं हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर और काइरल सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं काइरल सेंटर क्या होता है। काइरल सेंटर कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम 4 डिफरेंट वैलेंसीज से अटैच होता है उसे हम काइरल सेंटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये देखिए इसमें ये जो कार्बन है सेंटर में वह काइरल सेंटर है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो रखा है। अब देखते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन क्या है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं? एनी एटम एट विच एन इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स का इंटरचेंज करवाएं तब दे प्रोड्यूस ए स्टीरियो आइसोमर इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब कोई भी एटम जिसके रेस्पेक्ट में यदि हम लोग ग्रुप्स का इंटरचेंज करवाते हैं और यदि इंटरचेंज करवाने से एक नया स्टीरियो आइसोमर बनता है तो उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो यहाँ पर ये जो काइरल कार्बन है, ये काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में हम लोग ग्रुप्स का इंटरचेंज कराते हैं। इस OH को उठा के इधर रखते हैं और H को यहाँ रिप्लेस करते हैं। अब देखते हैं कैसा मॉलिक्यूल बनता है। हमने इसको इधर रखा, H यहाँ आ गया और CH3 यहाँ पर आ गया। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये देखिए ये इसकी मिरर इमेज है और यह डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर है। तो इस तरह से इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ग्रुप्स का इंटरचेंज करने से डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बना है, इसलिए यह जो काइरल कार्बन है यह स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है। लेकिन
सारे के सारे काइरल कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होते, और जरूरी नहीं है कि कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर हमेशा काइरल कार्बन ही हो, वह कोई कार्बन काइरल कार्बन नहीं है, वह भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एल्किन्स का। ये देखिए एल्किन्स में एक ट्रांस एल्किन लेते हैं, ये आपके सामने एक ट्रांस एल्किन है, ये लीजिए ये ट्रांस एल्किन है। अब ये जो कार्बन है ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है, इसे हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? ये जो ग्रुप्स हैं दोनों ग्रुप्स, इनको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। सीएल को हम यहाँ रख देते हैं एच की जगह, और एच को हम सीएल के प्लेस पे रख देते हैं। कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनेगा देखते हैं। इनको हमने कुछ नहीं किया है, ये कार्बन एज इट इज। अब यहाँ पर ये एच आ जाएगा, तो यहाँ इस एच की जगह हो गया सी एल, और यहाँ पर हो गया एच। तो ये देखिए ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर है, ट्रांस है, सी एल और सी एल डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सी एल और सी एल डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, तो ये सिस स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने ग्रुप्स को इंटरचेंज किया, तो एक नया स्टीरियो आइसोमर क्रिएट हुआ। तो यह कार्बन हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यह एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, लेकिन यह कार्बन काइरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इससे चार डिफरेंट वैलेंसीज अटैच नहीं है, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, काइरल कार्बन वो होता है जिससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, और स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है जिसके रेस्पेक्ट में यदि हम ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं तो नया स्टीरियो आइसोमर बने, उसको हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। अब हमने ये देखा कि ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि सारे के सारे काइरल कार्बन काइरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर हमेशा काइरल कार्बन नहीं होते, जैसा इस केस में है। ये कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है, लेकिन काइरल कार्बन या काइरल सेंटर नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा काइरेलिटी क्या होती है, जब मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते। काइरेलिटी कब क्रिएट होती है? जब मॉलिक्यूल में हैंडनेस की प्रॉपर्टी हो। हैंडनेस की प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसे कैसे चेक करते हैं? मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसमें हैंडनेस की प्रॉपर्टी होगी और वो कायरलिटी शो करेगा, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होगा। तो किस तरह से हम लोग कायरलिटी चेक कर सकते हैं? मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करके, कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते टाइम हमें मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। और जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो वह कायरल ही हो। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हैं लेकिन अकायरल होते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर ही नहीं होता लेकिन फिर भी वो कायरल होते हैं। और अंत में स्टीरियोजेनिक सेंटर और काइरल सेंटर के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर काइरल सेंटर नहीं होते, लेकिन सारे काइरल सेंटर हमेशा स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। थैंक यू, आप लोग देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनांसियोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी की। थैंक यू वेरी मच।